global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. Musical thriller, please, because it is just that, action-packed and full of beautiful music, and it is a thriller. So now we leave the floor open for questions. Yeah. First I'd like Rahul to say something, and then of course Tanmay and मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय के बाद मुझे भी मौका मिल रहा है काम करने के लिए और ऐसा रोल करने के लिए. एंड नितिन को मैं डंडे मारना चाहता हूँ कि बहुत ही ठंडे जगह वो लेकर के मेरे काम करवा रहा था, और तन्मय भी उसी में शामिल था, और इन लोगों ने ऐसे कसरत करके वर्कशॉप करवाया, एक्शन करवाया, ऐसे चीज़ें करके. बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे लग रही थी कि एक बिल्कुल ही अलग टाइप की फिल्म बन रही है. 90s का फ्लेवर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आज के ज़माने की जो टेक्निकल वे में हम लोग काम करते हैं या लोग देखना चाहते हैं, फैंटास्टिक. तन्मय ने बहुत मेहनत की है. आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट डेब्यू, और आगे भी बहुत अच्छा काम करने वाला है. नितिन द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एंड फैंटास्टिक. एंड ऑब्वियसली मोरानी एंड लकी जी एंड ऑल ऑफ देम जो बैक कर रहे हैं इस फिल्म को, एंड दे हैव गॉट दिस प्रोजेक्ट टू स्टार्ट सीइंग द लाइट ऑफ डे. फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज ऐसी फिल्म को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट. एंड जो रोल होगा वो आपको जा करके देखना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू से टू मच, बहुत कुछ आना बाकी है. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कब कैसे रिलीज करके जब लोग देखेंगे और उनकी उत्सुकता बढ़ती रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग टू सी. आई विश द फिल्म सयोनी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट ऑन सयोनी 2. ओके, बट थैंक यू. बाकी है मेरे दोस्त. जी जी जी. तन्मय, वेल थैंक यू एवरीवन. आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, एक नंबर, एक नंबर. ठीक है, नहीं अच्छा. डॉक्टर वसूल हो गया. पहले तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मैम का, जो अभी राहुल सर ने कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोशनी दी है बैक करके. एंड देन सेकंड राहुल सर तो है ही. मुझे याद है हम जब शूट कर रहे थे फर्स्ट डे, तो मैंने इनको शायद बताया भी था कि कहाँ बचपन में स्कूल से आके VCR में आशिकी देखता रहता है, कहाँ मैं मतलब काम कर रहा हूँ. लाइक शाहरुख सेज, होल्ड इट लाइक अ बनाना. तो
वी आर बनाना पीपल राइट एंड मैंगो पीपल सो दाऊ सर के साथ काम करके जब फर्स्ट डे वो एक्सपीरियंस में वो आशिक ही घूम रही थी चाहत की जरूरत है जैसे गिटार वाला तभी जब हम सहयोनी शूट कर रहे थे मैंने बोला मुझे भी वो गिटार पकड़ना है ऐसे कि वो कभी जाता नहीं है दिमाग से एंड देन नितिन क्या बोलूं लाइक टेक्निकली वेरी स्ट्रांग है मतलब बस करते रहो रुको मत लाइक हमने वो जो विला शूट I guess we shot like around 20 Nitin, आप एक मिनट के लिए मास्क उतार सकते हो ऐसे इन्हें आपका चेहरा तो देखने दो 28 hours we shot non-stop ये हमसे ऐसे डेब्यूटेंट्स को कराते थे हमसे और 28 hours non-stop शूट कराते थे कभी कभार बम के बीच भागना अरे भागे हो जाएगा जल्दी जल्दी लाइट जा रही भागो भागो वो बम फट रहे हैं तो ठीक है बट एटीन ऑफ दी डे प्रोडक्ट मैटर करता है वो बहुत अच्छा है अबे है ही एडिटेड आल्सो द फिल्म एंड जो पंजाब एंड इंडिया पोर्शन है क्योंकि ये खुद पंजाब से है तो एक कोलैबोरेट हो गया कि ये ज़्यादा इंटरनेशनल मूवीज ही देखते हैं वो हमारे देसी है हमारी तरह तो एक कोलैबोरेशन में एक पूरा कॉम्बिनेशन मिक्सचर बन गया एक हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइक अ जॉलीवुड तो बेस्ट टीम रही है एंड देन मुस्कान है मुस्कान डिड अ डेब्यू इन तेलुगु सिनेमा विद पुरी जगन्नाथ सर तो उनका भी हिंदी डेब्यू पहला है एंड देन योगराज सिंह जी के साथ काम के वो ब्रिलियंट लाइक उनके सामने पंजाबी स्क्रीन ही इज अ स्टार ऑन पंजाबी स्क्रीन लेजेंड इन पंजाब सिनेमा एंड इवन ही इज द फादर ऑफ ग्रेट क्रिकेटर युवराज सिंह आल्सो एंड प्लस जब उनका ऑरा एक अलग होता था मतलब द का दो मिनट तो मेरे से एक ही डायलॉग तो मैं एक डायलॉग भी भूल गया क्योंकि जैसे एक्शन हुआ वो उनका एक और ऐसा है कि नर्वसनेस करवा देते अच्छे अच्छों को एंड देन उपासना सिंह जी मेरी मदर का रोल प्ले कर रही है शी इज अ स्वीट हार्ट बहुत केयर करती है लाइक वो लिटरली मदर की तरह ही केयर करती थी सेट पे भी सो या मतलब फर्स्ट डेब्यू फिल्म के मुताबिक एक्सपीरियंस अ लॉट आई हैव लर्नड अ लॉट जब मेरे शूट नहीं होते थे तब मैं इनके पीछे ही लगा रहता था कि मैं सीख पाऊँ कि क्या प्रोडक्शन चल रहा है जैसे डीओपी के साथ मैं इन्वॉल्व रहा सीखने को बहुत कुछ मिला लाइक अ प्रॉपर फिल्म स्कूल कर लिया एक तरह से ये फिल्म करते करते हुए लाइक प्रैक्टिकल वाला फिल्म स्कूल सो या थैंक यू आप कुछ कहना चाहेंगे सर मास्क निकाल के मास्क निकाल दो ना मास्क को अरे कोई नहीं करने वाला है ये सब कैमरा के पीछे नहीं है यहां पे सब अच्छे हैं सब बढ़िया है हां कर दो यार एज कैप्टन ऑफ द टीम आई हैव टू बी रिस्पांसिबल सेट एन एग्जांपल आई वुड अप्रिशिएट इफ एवरीवन वेयर्स मास्क नॉट द पीपल इन We shot with 300 people crew in Rajasthan last month and everyone had masks. For that sake, I'll just keep the mask on. If you don't mind, we started this film and when you saw the promo, aap log ne jab ye promo dekha, songs dekha, you will feel that the most difficult thing about the film, is film ka sabse mushkil kaam raha hoga, action scenes. But this is not the truth. The most difficult part of this film was the casting. Because when we started, we were sure we wanted a new actor. We wanted to build someone new, not someone with an established image. But as per the script, we needed someone who was the Aamir Khan of Qayamat Se Qayamat Tak, that chocolate boy child, as well as the action of Akshay Kumar's any movies. So in current day scenario, we needed a Kartik Aaryan meets Tiger Shroff, which is like you can assume it's a very impossible task. So we had multiple rounds of auditions. People send us videos of their clips, and then we call them. We did live auditions. Sabne action karke dikhaya, sabne romance karke dikhaya, and after a lot of hair pulling, both frustration, we finally locked on to one person. And the action, I can tell you, the action auditions were so difficult that the people who came for auditions. They asked us, are you guys crazy? Because the hero in this movie had to do all the stunts practically, no green screen, no body double.
We were sure of that. We said, we are not going to give you. The only thing we might give you is cable and harness. So the hero in this movie had to hang upside down while handcuffed from the back. Ulta latak raha hai, haath hathkadi se bandhe hai, aur assassin ka gala nosh kiye, tu khich raha hai, jaise aapne promo shot mein dekha, uske baad somersault karke isko niche land karna hai. Hero of the movie ko bare sleeve mein ट्रक के पीछे भागना है रशिया के सब जीरो टेम्परेचर में जहाँ भालू भी सर्वाइव नहीं करते हैं. हीरो को भागना था. हीरो को 3-4 मिनट तक सांस रोक के अंडर वाटर रशियन माफिया डॉन के साथ फाइटिंग करनी थी. चाकू भोगना था. हीरो को ट्रक के नीचे लटकना था हाईवे में. चलती ट्रक को ठीक है, ट्रक उतनी स्पीड से नहीं चल रही थी, लेकिन ट्रक के नीचे लटकना भी बहुत ज्यादा मसल पावर यूज करता है. हीरो को लाइव एक्सप्लोजन चारों तरफ फूट रहे हैं दुबई के डेजर्ट में, उसके थ्रू भागना था. ये जो एक्सप्लोजन आप देख रहे हैं लाइव थे. दिस वी कैन डू ओनली इन फॉरेन कंट्रीज. इंडिया में वी आर नॉट अलाउड टू डू इट, बट वी शॉट एवरीथिंग लाइव. द बुलेट्स दैट यू सी आर रियल. ऐसा हीरो हम लोगों को ढूंढना था. एंड आई एम प्राउड टू से दैट वी आई विल कॉल हिम वी फाउंड आवर ओन टाइगर आर्यन, दैट इज तन्मय. सो आई गिव दिस अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पुलिंग इट ऑफ. एंड आई कैन टेल यू By the time जब हमने फिल्मिंग खत्म की, जब हमने स्टार्ट की थी शेड्यूल और जब खत्म की अराउंड 50 डेज लेटर, तन्मय कुड नॉट वॉक स्ट्रेट. तन्मय के नाखून निकल चुके थे, उसके लिगामेंट टॉर्न था, हजारों जगह ब्रूजेस थी, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था. लेकिन उससे एक फायदा हुआ हमें कि जो मेकअप आर्टिस्ट थे उसके ब्रूजेस पेंट करते थे, उसका काम बच गया, उसकी फीस बच गई. So, the bruises were real. Positive side to every. And let me tell you one incident. There was a scene, Tanmay still complains to me about it. He did all the stunts that we told him. But a prison escape scene hai. Russia ke deepest prison se, all the cops and there's an assassin chasing him in the prison. He has to escape the prison. Wahan se prison ki height hai around 50 feet. Aur wahan pe, by coincidence, एक टैंक खड़ी थी. टैंक वॉज अंडर द प्रिजन एंड उसकी हाइट डिफरेंस था 20 फीट. और तब मैंने वो टैंक देखी और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू जम्प फ्रॉम दैट वॉल टू द टैंक 20 फीट. आई सेड नो यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वी हैव 10 डेज ऑफ शूट लेफ्ट. अगर तुम्हारा पैर को मोच आ गई कुछ हो गया यू कांट शूट. ही इंसिस्टेड आई वॉन्ट टू शूट. आई पुट माई फुट ऑन यू कांट शूट. And till today, he keeps telling me, see, that shot would have looked so wonderful in the poster. That's the kind of sincerity and dedication this lad has. He is going to go a long, long way, I can tell you. Your look, especially we're talking about your look. पहले से आपके बालों के लुक क्रेजी थे, यहाँ पर भी कुछ एक अलग ही स्टाइल था. हाउ वाज योर लुक डिसाइडेड एक्चुअली? I had no part of decision. I had a man director who decided, अच्छा सर बाल अच्छे हैं लंबे हैं, कहाँ पे मेरे को रशिया में बैठा करके मेरे बाल जो हैं पूरा ब्लॉन्ड कर दिया वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने फिर ब्रेड करना शुरू कर दिया. एंड बट 30 साल के बाद कुछ तो चेंज होना चाहिए ना. बाल तो थे अभी है भी, बट आई वॉन्टेड टू चेंज समथिंग. सो कैरेक्टर एक्चुअली कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा था और इन्होंने कहा तो वो वैसे ही बालों में और वैसे ही तरीके से वो उसकी एटीट्यूड समझ में आ जाता है. सो आई एम हैप्पी विद द वे इट डन. बट मैं निकलने से पहले, रशिया से निकलने से पहले वापस मैं बाल बाल सारा को चेंज करके मैं वापस आ गया था. बट आई एम रियली proud and happy with the character and the way this entire film jab screen pe aata hai I think people will be very happy with it. negative character, I can't tell. Aur aaj kal to koi bhi negative positive to koi hai hi nahi. news pe hi dekhte ho to fir main kya bolunga. jo negative hai wo zyada positive hai bas. बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. राहुल सर आपसे सवाल है कि जो बदलाव आया है
आपकी 92 की बात करते हैं तो आज की जो कहानी होती है तो गाली से स्टार्ट होती है, तो कितना बदलाव है। 92 में कुछ कहानियां लिखी जाती थी तो शेर से लिखी जाती थी, आजकल कहानियां गाली से लिखी जाती, तो क्या मायने रखते हैं आप, ये सब कितना बदलाव है? ये बदलाव तो बहुत है एंड मैं इस चीज पे ज्यादा ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज है या गलत चीज है। मेरे साथ गालियों से जो गाना होता है या जो कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने वैसे गाने कभी किए नहीं हैं और यकीनन मैं वैसे गाने कभी करूंगा नहीं। और आजकल जितने भी फिल्में जो मैं कर भी रहा हूँ या जो कुछ भी है, बहुत कम बैकग्राउंड म्यूजिक में करते हैं, अभी इतना लिपसिंक नहीं होता है। पर जब कोई बहुत बड़ा गाना आ जाता है या बहुत ही खूबसूरत गाना आ जाता है, देन ओनली आई डू इट। बाकी जो काम लोग करते हैं, मुझे क्या लेना देना उनसे वगैरह, आई डोंट केयर। मैं उनके प्रोजेक्ट्स में मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे को वो फिल्में मेरे को जो पसंद आती हैं करने के लिए, जो मेरे सेंसिबिलिटी के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, मैं वैसे काम करना चाह रहा हूँ। राहुल जी, संजू के साथ और श्रीदेवी की जो गुमराह थी उसमें भी एक अलग ही किरदार था आपका, साइलेंट था बिल्कुल, उसके बारे में कितना उस टाइम आप प्यार भरे मोहब्बतें जितनी फिल्में कर रहे थे, उस टाइम आपकी एक शुरुआत थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी ये रोल दोबारा मुलाकात और वो सब वहां पे भी कर रहा था, यहां में भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा मैं। गुमराह की अगर बात करें, गुमराह देखिए एक अलग कहानी थी जिसमें मेरा किरदार ऐसा था कि मेरे को श्री मैम को मेरे को पटाना था, मेरे को बहुत कुछ करना चाहा, मेरी जो विचारधारा वहाँ पे कुछ अलग थी। तो वो गुमराह फिल्म जो बनी थी उस टाइम पे, आई थिंक नेचुरली क्योंकि पहले मैं भी नर्वस होता था कि मैं मैम के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ वगैरह, बट मुझे मैम वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक उनके साथ काम करने के लिए। एंड संजू जी तो खैर मेरे स्कूल में मेरे साथ मेरे सीनियर थे, बट सबसे चीज़ जो कुछ भी मैंने नटखट चीज़ें सीखी हुई हैं वो संजू जी से सीखी हैं, बिकॉज रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है, इट्स फैंटास्टिक। बट भट्ट साहब का काम था एंड भट्ट साहब वांटेड मी टू डू दैट फिल्म, तो मैंने पहली बार एक थोड़ा सा हटके एक जो दबा हुआ होता है लेकिन फिर भी अपनी विचारधारा से वो कोशिश करता है गलत करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत तगड़ा रोल किया था जुनून में, तो वैसे टाइप का, और फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि कुछ नेगेटिव रोल करिए कुछ करिए, बट बहुत कम मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कोई ऐसा रोल लिखता है जिससे मेरे को लगे कि इतना बढ़िया रोल होगा या काम होगा वगैरह, क्योंकि वो वैसे टाइप के रोल होते हैं जिसमें कोई भी एक्टर काम कर सकता है, और मेरे को वैसा टाइप का रोल करना ही नहीं है मुझे। इस वाले में वो समथिंग वेरी डिफरेंट, वो जिस तरीके से पेश भी किया गया था, जो कुछ भी था, इट वॉज सो मच मोर डिफरेंट। तो यकीनन मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। लकी The answer to that would be that I saw a promise in Tanmay. Basically, when a film is being made, you have to have faith in the director, and of course, very, very important is who he's casting. So here we knew that it is a fresh package. It was fresh faces being launched, like Tanmay and Mustan. And here, what attracted me was that the music was very good. And also, because I come from a family that has given such hit music and before, and we were always associated a lot of importance with music whenever we've done our films. So, uske karan hame laga ke along with the new cast, the music is itni strong hai, and we have a passionate director like Nitin, and he wants to give you an action-packed thriller along with the best music, recreating Sayoni and all the other songs. Aapne sirf ek gaana suna hai, but as we move along, you will be seeing the other songs of the film. Each and every song is a hit,
and all the singers, the playback singers are the top singers. And ये बात मुझे अच्छी लगी कि we are combining the hit singers with fresh talent in the music industry as in the music directors. तो ये एक बहुत fresh package था. तो I thought it was a plus point, you know, the music, Sayoni and bringing this action packed thriller. हमारे घर में आर्टिस्ट रहते थे सुबह से लेकर शाम तक. आई कुड सी इवन ऑल द एक्टर्स इन माई फादर्स हाउस एज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन. हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, तो अक्षय कुमार बैठे होते थे हमारे घर में डैडी को मिलने के लिए, और काफी अदर एक्टर्स. And Rishi Kapoor ji was very close to my father and Neetu Singh because they were cast for the first time as a romantic jodi by my father in Rafu Chakkar, which was a huge hit. So, ये सारी हमारी family ही हुआ करते थे and they were always around us in the house. और धर्मेंद्र अंकल के लिए हमारे घर में पाया बनता था, उनके घर में पाया जाता था हमारे घर से, क्योंकि पाया is his favorite dish. तो हर एक का एक अलग ही वो होता था कि हमें ये खाना है, हमें कबाब खाना है. तो हमारा भटियारा दिन रात पका रहा होता था फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. तो ऐसे हम पले बड़े हैं एंड कभी सोचा ही नहीं एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि डैडी वाज एक्चुअली अ बिल्डर. ही वाज फ्रॉम रियल एस्टेट. ही हैड बिल्डिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लैंड ओनर्स, एंड दे गॉट इनटू फिल्म मेकिंग बाय डिफॉल्ट. So he was a very professional, like he was a business minded person. वो फिल्मी kind of person नहीं थे. वो sets पर जाते थे सुबह 6 बजे. He was the first one who would open the sheds and the shades for shooting. Before the light man and everything, a real Gujarati businessman. So he would be on the sets first. ऐसे नहीं कि producer बाद में आ रहा है. He would be the first one. He would take the accounts at the end of the day. Light man, ये क्या हुआ, sound, equipment, मशीन, बेबी, डॉली, ये वो. तो बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं. तो ही वुड सिट, ही वुड टेक द अकाउंट्स एंड ही वुड ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस प्रोफेशन. तो ही नेवर एवर वांटेड कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आए. आई डोंट थिंक ही वुड वांटेड. हमने कभी हिम्मत ही नहीं की कि हम डैडी से कहें कि हमें एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि वी न्यू कि भाई डैडी तो बिजनेस मैन है. आई डोंट नो हाउ ही विल टेक इट. सो वी नेवर एवर थॉट ऑफ एक्टिंग. और बहुत जल्दी शादी हो गई. आई वॉज वेरी वेरी यंग एंड आई गॉट मैरिड इन कॉलेज इटसेल्फ टू माई कॉलेज स्वीट हार्ट, दैट इज मोहम्मद मोरानी. सो वी बोथ इन कॉलेज, वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. मोहम्मद स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट बिजनेस इन 1990 एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज एंड ही वॉज रेयरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट. His family made films like Raja Hindustani, Damini. Of course, he was part of it because he did the action and he did all of that. And he did the pyrotechnics for the film. He had his own fireworks factory and Morani fireworks, you must be knowing. So we were doing film effects and special effects for the film industry as well. So hum log college mein hua karte the and I used to go for these pyrotechnic shows with Mohammed. So he used to be doing all this. So ye jab shows karte the and then everybody would know that bhai aap shows kar rahe hain itne bade, so and your family is also making movies and everything, so why don't you combine this? So Mohammed said, yes, I'm not very interested in making films. I want to do entertainment. I want to bring pyrotechnics. I want to bring fireworks. I want to bring catering. I want to bring food, light, sound on stage, as well as artists and be associated with the artists. Because bachpan se hi hamara bahut acha relationship tha with the artists. Like Sunny Deol grew up with Mohammed and Kareem. And of course, Sunny was a friend of Mohammed's elder brother, Kareem. But these people were in our house all the time, even after we got married. So Mohammed started entertainment and Cine Yug Entertainment, and he took a diversion from Cine Yug Films. So we started the careers together, and even when he started doing stage shows, Bachchan sir was one of the first stars that we took to London and America and Europe and all over. And Juhi Chawla was there, Aamir Khan was there, Shri Devi was there on that show, I remember. तो वी वर वेरी वेरी यंग एंड द कोरियोग्राफर सेड के यू नो ये स्टेज शो हो रहा है एंड बच्चन सर के लिए हमें एक यंग लड़की चाहिए हु ही कैन फ्लर्ट विद ऑन स्टेज. वो गाना गा रहे हैं, एक यंग लड़की आती है फ्रॉम द ऑडियंस एंड शी हैज टू कम ऑन स्टेज व्हेन बच्चन सर कॉल्स हर एंड शी हैज टू डांस विद बच्चन सर
एंड इन द एंड शी हैज टू जस्ट शर्क ऑफ एंड वॉक ऑफ एज अ बहुत भावकारी है. तो दे सेड अभी ऑडियंस में से किसको उठाएंगे बिकॉज उनको तो स्क्रिप्ट पता नहीं है. तो लकी व्हाई डोंट यू सिट इन द ऑडियंस बिकॉज यू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग द ड्रेस द कोरियोग्राफी द ये द वो. सो दे सेड व्हेन बच्चन सर बुलाएंगे आप प्लीज आइए ऑन स्टेज एंड यू डू दिस एक्ट एंड यू गो. सो आई वॉज रियली रियली शाय. आई सेड आई डोंट नो फिर भी कर लेते हैं. तो मस्ती में आई केम ऑन द स्टेज and I did the whole act with Bachchan sir and I went off and it was a very nice moment because we all laughed in the end and we said lucky dekho abhi aapka stage debut to ho hi gaya now you have to take it forward. And then of course I took up theater in 2005-2006 under Nadra Babbar and I started acting. So I'm a stage actor. I do a lot of English musicals and Hindi musicals. I've done Sound of Music. And Cineyug launched me as the lead in City of Dreams. So I've done City of Dreams. These are all stage musicals that I have done. So I am an actor at the end of the day. How did people meet and how did you start? Yes. So film start, our co-writer is Vishal Ji. So I knew him. So they met me with Nitin Ji. देन उस वक्त कभी ये फिल्म का मैगजीन के दिमाग में नहीं था. तब सडनली आफ्टर दैट मैं भी दिल्ली वापस चला गया था क्योंकि मैं मुंबई शिफ्ट हुआ एंड आई यूज्ड टू डू अ नुक्कड़ नाटक विद अरविंद गौरजी आफ्टर. तो आई वाज इन थिएटर एज वेल. तो फिर अचानक से फ़ोन आता है कि देयर इज अ फिल्म कम एंड जस्ट ऑडिशन. ठीक है मैं मुंबई आ ही रहा हूँ देख लूँगा. तो मैं देखे चला गया वापस. देन सडनली वन डे कि अब आ जाओ मीटिंग करनी है. सो लकीली उन्होंने फिर मुझे वो ऑडिशंस करवाए कि मतलब मैंने एक लेवल पास किया कि मुझे याद है इनके ऑफिस में एक पोल था कि पोल के ऊपर चढ़ो. मेरा पोल टर्म्स है क्या है तो क्रेन एक्शन है पोल में कोई जो होता है ना कि सारे भाग रहे थे इनसे वो करने से. तो मैंने ठीक है तो उस टाइम पे मैं जिमनाजियम वगैरह भी सब सीख ही रहा था तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सीबिलिटी है तो मैंने कर दिया लकीली हाउ बी हेयर. तो तब मुझे ये फिल्म का मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.